बजाज फाइनेंस ईएमआई कार्ड हैज बीन इन द मार्केट फॉर मोर देन 5 इयर्स। कुछ लोगों के लिए ये बेस्ट कार्ड है, कुछ लोग इस कार्ड को लेके पछता रहे हैं और कुछ लोग ये कार्ड लेना चाहते हैं। तो क्या सच है इस कार्ड का, क्या अच्छाइयां हैं, क्या बुराइयां हैं और क्या आपको इस कार्ड को लेना चाहिए, इस वीडियो को एंड तक देखिए, आपको पता चल जाएगा। पिछले कुछ 4-5 सालों में मार्केट में बहुत नए नए तरह के कार्ड्स आ गए, बाय नाउ पे लेटर कार्ड, प्रीपेड कार्ड और अभी ईएमआई कार्ड। बट ये ईएमआई कार्ड है क्या एंड व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस कार्ड एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अ क्रेडिट कार्ड। देखिए ईएमआई कार्ड क्रेडिट कार्ड से बहुत अलग होते हैं, यानी कि ईएमआई कार्ड में आप क्रेडिट कार्ड की तरह कैश विड्रॉ नहीं कर सकते। क्रेडिट कार्ड को आप मोस्टली हर जगह यूज कर सकते हो, लेकिन आप ईएमआई कार्ड वही यूज कर सकते हो जहां पे बजाज फाइनेंस का ईएमआई टाइप है। अच्छी बात यह है कि बजाज फाइनेंस का मेजर ई कॉमर्स वेबसाइट्स लाइक Amazon, Flipkart एक्सेट्रा के साथ टाइप है। ऑल्सो उसका 40,000 ऑफलाइन स्टोर्स के साथ भी टाइप है। तो अगर आप इस कार्ड को यूज करते हो तो चांसेस है कि ये कार्ड आपको मोस्टली हर जगह चल जाएगा। क्रेडिट कार्ड और ईएमआई कार्ड में एक मेजर डिफरेंस ये है कि जब आप अपनी पेमेंट क्रेडिट कार्ड से करते हो तो आपको अपनी पूरी पेमेंट करने के लिए 45 टू 50 डेज का टाइम मिलता है। इस 45 टू 50 डेज में आपको जीरो चार्जेस लगते हैं। ऑन दी अदर हैंड जब आप ईएमआई कार्ड से पेमेंट करते हो तो आपको पूरी पेमेंट एक साथ नहीं करनी होती। इस पूरे अमाउंट का 3 to 24 months की ईएमआई में कन्वर्जन हो जाता है एंड आपको हर महीने कुछ फिक्स्ड अमाउंट देना होता है। आपने कई लोगों से सुना होगा और शायद देखा भी होगा कि इस कार्ड के साथ आपको नो कॉस्ट ईएमआई मिलती है, लेकिन ये बिल्कुल सच नहीं है। ईएमआई का एक्चुअल इंटरेस्ट इज बोर्न बाय मैन्युफैक्चरर्स लाइक एप्पल और सैमसंग टू द बैंक। तो एंड कंज्यूमर्स जैसे कि आप और मैं, उनके लिए जीरो इंटरेस्ट ईएमआई हो जाती है, लेकिन फिर भी इस कार्ड के साथ जीरो ईएमआई नहीं मिलती। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बजाज फिनसर्व के साथ जो भी आप ईएमआई कराते हो उसकी पहली ईएमआई में आपको 99 rupees प्लस जीएसटी की कन्वीनियंस फी लगती है। तो आप कोई भी प्रोडक्ट अगर बजाज फिनसर्व के साथ खरीदते हो तो आपको पहली ईएमआई में हमेशा 99 प्लस जीएसटी की कन्वीनियंस फीस लगेगी ही लगेगी। पर हम चार्जेस की बाद में करेंगे, अभी हम देखेंगे कि आपको इस कार्ड के साथ और क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। बजाज फाइनेंस ईएमआई कार्ड के साथ आपको 3 to 24 months की जीरो कॉस्ट ईएमआई मिलती है। 24 months इज द मैक्सिमम टाइम, जरूरी नहीं कि आपको हर प्रोडक्ट के साथ 24 मंथ्स की ईएमआई में कन्वर्ट कराने का ऑप्शन मिले। साथ ही आपकी लिमिट होती है 30,000 से 4 lakhs, यानी कि 4 lakhs तक के मैक्सिमम अमाउंट पे आप नो कॉस्ट ईएमआई को अवेल कर सकते हो। अगेन 4 lakhs इज द मैक्सिमम लिमिट, जरूरी नहीं कि आपको 4 lakhs तक का ऑप्शन मिले। ऑल्सो योर एज शुड बी मिनिमम 21 एंड यू शुड हैव अ सिविल स्कोर ऑफ एटलीस्ट 750 एंड बी एम्प्लॉयड, अदरवाइज ये कार्ड मिलना आपको मुश्किल हो सकता है। अब हम आपको इस कार्ड के बारे में एक ऐसी इन्फॉर्मेशन देंगे जो आपने कहीं और नहीं सुनी होगी। होता क्या है कि बजाज फाइनेंस आपके सेविंग्स अकाउंट को अपने आप से लिंक कर लेता है। वो आपसे एक ECS मैंडेट साइन करवाते हैं। उस ECS मैंडेट को साइन करते ही आप बजाज फाइनेंस को परमिशन दे देते हैं कि वो आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली पैसे काट ले। सुनने में स्कैरी लग रहा ना, एक्चुअली थोड़ा स्कैरी है भी। अ लॉट ऑफ पीपल हैव कंप्लेन अबाउट बजाज फाइनेंस कि उन्होंने बिना उनकी परमिशन के उनको इंश्योरेंस से लोन बेच दिया है और उनके अकाउंट से ऑटोमेटिकली पैसे काट दिए। ऑल्दो वी डोंट नो इफ दीज क्लेम्स आर ट्रू और नॉट, बट मल्टीपल पीपल हैव रिपोर्टेड द सेम थिंग। इनफैक्ट इसी की वजह से mouthshut.com पे इनकी रिव्यूज भी अच्छे नहीं है। Anyhow, taking a step back, जब आप ये ECS mandate sign करते हैं तो बजाज फाइनेंस इस मैंडेट को आपके बैंक के साथ सेट करने के लिए आपसे पैसे भी चार्ज करता है। अगर आपका अकाउंट इनमें से किसी भी बैंक के साथ है then you will be charged a fee of 118 rupees। अगर किसी रीजन से ये मैंडेट सेट नहीं हो पाया then you will be charged another 450 rupees and this charge is not any bank specific। इसका मतलब है कि ये चार्ज सबको देना पड़ेगा। अगर आपको ये सुन के झटका नहीं लगा है तो ये नेक्स्ट वाला पॉइंट सुन के तो पक्का लगेगा। देखिए वैसे तो सबको अपनी पेमेंट टाइम पे करनी चाहिए, बट अगर बाय चांस किसी रीजन से आपकी ड्यू डेट पे आपके अकाउंट में ईएमआई जितने पैसे नहीं है एंड आपकी पेमेंट फेल हो गई है तो यू विल बी चार्ज 450 rupees। ऑल्सो अगर आपकी ईएमआई 1-2 महीने लेट हो गई है देन यू विल बी चार्ज एट द रेट ऑफ 4% पीनल इंटरेस्ट एवरी मंथ, विच कन्वर्ट्स इनटू ऑलमोस्ट 50% पीनल इंटरेस्ट एवरी ईयर। This 50% is by far the highest interest we have seen in any card, including all the credit cards. So, अगर आप Bajaj Finance EMI card लेंगे तो payment delay करने का सोचिएगा भी मत, because वो आपको बहुत महंगा पड़ सकता है। Fees में आपको 530 rupees card issuance के देने होंगे और अगर आपने साल में एक बार भी इस card को use करा तो आपको annual fees नहीं लगेगी। लेकिन अगर आपने इस card को एक भी बार use नहीं करा, then you will be charged a fee of 117 rupees. All in all, this is a really expensive card with strict terms and conditions. Although we feel that it can really help you in controlling your spending,
but we still don't feel it's worth it. Let us know in the comment section how has your experience been with this card. Till then, BK Fighting.